सातवीं शताब्दी में चीन के महान दार्शनिक ह्वेन त्सांग भारत आए थे। उनकी भारत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध धर्म को गहराई से समझना था। वे भारत में उन स्थानों पर गए जो किसी न किसी रूप से बौद्ध मत से जुड़ी थी। नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालय में उन्होंने 5 वर्ष बिताए और बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। चीन के एक दार्शनिक का भारत आकर बौद्ध मत को समझना इस बात को स्पष्ट कर देता है कि बुद्ध का ज्ञान भारत के साथ कैसे एक रूप हो चुका है। बुद्ध का भारत की संस्कृति और सभ्यता से इतना गहरा संबंध है कि अब उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। एक समय चीन की अधिकांश जनसंख्या बौद्ध धर्म का पालन करती थी, लेकिन धीरे धीरे चीन से बौद्ध धर्म को मिटाने की शुरुआत हुई। 8वीं शताब्दी में चीन के राजाओं ने बौद्ध धर्म को एक विदेशी धर्म बताते हुए कहा कि बौद्ध धर्म में दी गई शिक्षा चीन की संस्कृति से मेल नहीं खाती। इन तर्कों के आधार पर चीन में बौद्ध धर्म मानने वालों पर अत्याचारों का सिलसिला शुरू हो गया। बौद्ध धर्म के लगभग 40,000 मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। लगभग 4 लाख बौद्ध भिक्षुओं पर अत्याचार किए और हजारों को मौत के घाट उतार दिया। धीरे धीरे चीन को एक ऐसे देश में बदल दिया जिसकी अधिकांश जनसंख्या नास्तिक है। ये सब चीन में साम्राज्यवाद और वामपंथ के विस्तार के साथ शुरू हुआ। ₹1950 तक चीन के पड़ोस में एक ऐसा देश हुआ करता था जिसकी अधिकांश जनता बौद्ध धर्म को मानती थी और आज भी मानती है। ये देश था तिब्बत। लेकिन अलग अलग षड्यंत्र कर चीन ने तिब्बत पर अपना अनाधिकृत रूप से आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि 1950 तक लगभग 6,000 बौद्ध मठ क्षेत्र में थे, जो अब चीनियों की प्रताड़ना के कारण से 100 से कम रह गए हैं। अत्याचारों के चलते 1959 में तिब्बत के सबसे बड़े धर्म गुरु 14वें दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। उनके साथ उनके लगभग 80,000 अनुयायियों ने भी भारत में ही शरण ली, जो मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे हैं। आज भारत में बौद्ध मत को मानने वाले लगभग 85 लाख लोग रहते हैं और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तिब्बत से भागकर भारत आए थे। तिब्बतवासी एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अपनी स्थापना चाहते हैं, क्योंकि अपने प्राचीन इतिहास में वे एक स्वतंत्र राजतंत्र था। ये लोग चाहते हैं कि भारत चीन के साथ लगी अपनी सीमा को भारत चीन सीमा नहीं बल्कि भारत तिब्बत सीमा कहकर बुलाए, क्योंकि चीन ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। भगवान बुद्ध ने भारतीय तत्व ज्ञान की मूल धारा को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने मत के प्रमुख आधार स्तंभों को 4 आर्य सत्य कहा और स्वयं के धर्म को आर्य धर्म। भारत भूमि बुद्ध की गौरवमय भूमि है, जो बुद्ध के ज्ञान को आत्मसात करते हुए निरंतर विश्व शिरोमणि बनने की ओर अग्रसर है और सबके मंगल की कामना करती है। महात्मा बुद्ध का वचन है अपदीपो भव, अर्थात सत्य का अनुसंधान करो और अपना प्रकाश स्वयं बनो।